15, 20, 25, 30, 31, 32। देखिए दूध नापी हो रहा है। हरपुर विप्रा सुधा डेयरी नाप दिए। अब चलते हैं घर। 45, 70, 80। 4580 है दोस्तों। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 होने वाला है, अभी 6:15 हो रहा है दोस्तों। और फिर से मैं आ चुका हूँ घूमने सरेह की तरफ डेली रूटीन के हिसाब से। तो अभी दोस्तों इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और अभी सूर्य उदय भी हो चुका है, सूर्योदय भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो सूर्य दर्शन कीजिए। और कुछ इस प्रकार का व्यू है। अब बाउंड्री दोस्तों देख सकते हैं, इतना घेरा गया हुआ है। तो अभी चलते हैं दोस्तों आगे से, सरेह की तरफ से घूम के आते हैं, फिर घर पर चलते हैं, उसके बाद माल उसरी आएंगे। क्योंकि दोस्तों कल तो बहुत ही मस्त सेल हुआ था, और आज कैसा सेल रहता है देखते हैं। फिलहाल चलते हैं इधर से घूम के घर पे, और आज भोज भी है। पहले तो चलेंगे तो कपड़ा को सरियाएंगे, उसके बाद में स्नान स्नान करके और फिर भोज खा के फिर 9:30 बजे से फिर चलेंगे फेरी पर। चलिए फिलहाल दोस्तों इधर से घूम घूम करके घर पे मिलते हैं। तो अभी आ गया घर, टाइम हो गया है 7:15। चलते हैं माल सरिया लेते हैं, क्योंकि माल सरियाने में लगभग आधा घंटा पौन घंटा समय लगता है। 7:15 हो रहा है, चलते हैं माल सरियाते हैं, देखते हैं कितना बजे तक सरियाया हुआ होता है। तो सारे माल को सरिया लिया, देख सकते हैं हो गया सारा। ये झोला में का भी हो गया, गमछा भी सरिया लिया, देख सकते हैं इतना बच गया है, बंडी ज़्यादा बचा हुआ है। तो चलिए सारा तो सरियाया हुआ हो गया, और टाइम कितना हुआ है देखे नहीं है तो देख सकते हैं। गमछा तो सरिया लिया है, झोला वाला तो सरिया लिया, और टाइम अभी हो गया है 8:30 होने वाला है, 8:22 हो रहा है। तो चलते हैं अभी स्नान करते हैं, स्नान स्नान करके फिर भोज खाने चलेंगे, फिर चलेंगे फेरी पर। फिलहाल चलते हैं स्नान करने, अभी 8:30 इस समय का भी कुछ इस प्रकार के हैं दोस्तों। टाइम अभी 9:00 बज गया, और अभी मैं स्नान भी कर लिया हूँ। चलते हैं अब कपड़ा पहनते हैं, तेल लगाया कहीं करते हैं, पहले तो चल के पूजा करते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और पूजा वूजा करके तेल लगा के कहीं भी करके पूरी तरह से तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों नीचे। उसको भी मैं तेल लगा करके कहीं करके अब शर्ट उट पहन के तैयार हो चुका है, और अभी पूजा वूजा सब कर लिया। अब चलते हैं खाना खाने, भोज खा के आते हैं, फिर चलेंगे। चलते हैं भोज खाने। तो दोस्तों अभी भोज खाने में आ गया हूँ, और पत्ता परसा गया हुआ है, और चावल भी परसा रहा है, देख सकते हैं। तो भोज खा लेते हैं। तो दोस्तों सारा परसा गया, देख सकते हैं, दाल चावल सब्जी और पापड़ तिलौरी और मिर्च है, हरा मिर्च है। इधर न्यू चल रहा है दोस्तों, अभी भोज खा रहे हैं, और इधर सावन कृष्णा भी है, देख सकते हैं। आते हैं खाना खा के फिर चलते हैं। तो अभी आ गया हूँ भोज खा करके घर है, और ये सरसों था थोड़ा सा नीचे, उसको ऊपर रखे हैं, नीचे से जाना ऊपर लाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो भगलू मेरा भाई लाया हुआ था उधर से सरेह में से, तो अभी मैं रख दिया इसको, दम फूल गया, 4-5 बार हुआ है, रख दिया इसको, देख सकते हैं। इसको जड़ काट के जो है ना वैसा लगाएंगे, सूख जाएगा, उसके बाद में जो है पीट के फिर निकालेंगे, और निकाला हुआ है देख सकते हैं, सफाई वफाई करके इधर पसार दिए हुए हैं सूखने के लिए। तो चलते हैं फिलहाल, अभी दोस्तों माल लोड करते हैं, फ्री पर निकलते हैं। 10 बज चुका है, भोज में थोड़ा सा लेट था इसलिए लेट हो गया। तो दोस्तों अभी माल लोड कर लिया, अभी देख सकते हैं अभी 10 बज चुका है, तो अब चलते हैं 10 बजे से। चलिए फिलहाल निकल रहे हैं दोस्तों, अभी घर से निकल चुका हूँ, 10:30 हो गया है, और बोहनी तो नहीं, बोहनी हो गया है लेकिन बिक्री अभी नहीं हुआ है। उधारी था ना 250, 200 उधारी मिला है, उससे बोहनी हुआ है, और 50 रुपया बाकी लगा दिया है। तो उधारी 200 रुपया मिला है, बोहनी हो गया। अब चलते फिलहाल घूमते हैं दोस्तों। अभी दादन चक हुआ हूँ पिछला गाँव, दादन चक में लगभग 650 का बिक्री हुआ है, और 200 रुपया उधारी मिला था, तो 850 रुपया का बिक्री हो गया अभी तक, ले टोटल मिला करके।
तो अभी चलते हैं, फिलहाल घूमते हैं। टाइम 12:15 हो गया है। कल इस समय तक 2200 का सेलिंग हुआ था, लेकिन आज अभी इस गांव में हुआ है 650 का, 200 उधारी मिला है, तो 800 का अभी तक ले हुआ है सेलिंग। अभी चलते हैं फिलहाल दोस्तों अगला गांव घूमते हैं। अगला गांव जो है ना ससौला है, अगला गांव घूम के फिर मिलते हैं। दोस्तों ससौला में खाली दो गो पाँच साल बच्ची का प्लाजो खाली बिका है 60 रुपये का, बस अभी तो सेलिंग नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगला गांव मधुरापुर, मधुरापुर घूमते हैं और फिर मिलते हैं, देखते हैं मधुरापुर में कितना का सेलिंग होता है। दोस्तों टाइम अभी 2:15 हो रहा है अभी, और अभी मधुरापुर ही घूम रहा था उस समय से, मधुरापुर में 450 का सेल हुआ है प्लाजो सेट और प्लाजो उलाजो ये सब लेकर के। तो चलिए अभी फिलहाल घूमते हैं अगला गाँव कौन सा है। अगला गाँव जो है ना बिशुनपुर है, बिशुनपुर घूमते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी टाइम 4:15 हो रहा है और इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, दे सकते हैं। और अभी ये जो है ना बिशुनपुर गांव घूमा हूँ, और अभी तक ले जो है ना टोटल सेल की बात करें तो 2500 का सेल अभी हो चुका है। अभी 2 घंटा समय है, तो 2 घंटा में घूमते हैं रामनगरा। रामनगरा गम्हरिया ये सब बहुत बड़ा गाँव है, ये समय बिक्री होता है और देखते हैं क्या होता है। अभी 2 घंटा समय है तो देखते हैं 2 घंटा में कितना का सेल होता है। अभी तक तो 2500 का हो चुका है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों रामनगरा और गम्हरिया घूम करके और फिर मिलते हैं 6:45। दोस्तों अभी टाइम 6 बज गया है और अभी बेर भी डूब चुका है, देख सकते हैं अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों। और गम्हरिया नहीं घूम पाया हूँ, सिर्फ रामनगरा ही घूमा हूँ। और 4 बजे से अभी 6 बजे के बीच में लगभग 850 का सेल हुआ है, नहीं तो गम्हरिया घूमता लेकिन समय नहीं था तो नहीं घूमे। अभी 6:45 बज चुका है, जाते जाते 6:15 हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा जाते जाते घर पे, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमारा घर लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो जाते जाते बेट हो जाएगा, धीरे धीरे 20 के स्पीड में चलाते हैं गाड़ी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर पे। और टोटल सेल की बात करें तो दोस्तों 2500 हुआ था, इधर 800 का टोटल सेल हो गया आज। तो चलिए फिलहाल घूमते हुए घूमेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधे घर पर चलते हैं, और घर पर चलने के बाद फिर मिलते हैं घर पे। फाइनली दोस्तों अभी पहुँच गया घर, और अभी देख सकते हैं अंधेरा अभी हो गया है। तो चलिए सामान को पहले सबको उतार लेते हैं। फाइनली दोस्तों अभी गाड़ी को लगा दिया, सामान से उतार करके देख सकते हैं उतार लिया, और अभी चलते हैं। सारे रुपया का जो है ना गिनती करते हैं कितना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सारे को गिनती करते हैं कितना होता है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं दूध लेकर अभी जा रहा हूँ फैट में, और आते हैं उसके बाद में सारे को गिनती करेंगे। तो दोस्तों अभी आ गया फैट में, पहुंच गया हो और दूध नाप लेते हैं, हमारा बारी है। देखिए दूध नापी हो रहा है 1.3 लीटर। हरपुर विप्रा सुधा डेयरी नाप दिए अब चलते हैं घर। अभी दोस्तों अभी आ गया घर, और अब चलते हैं सारे को गिनती कर लेते हैं दोस्तों कितना का सेल हुआ है, क्योंकि गिनती नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों पहले सबको सरिया लेते हैं टोटल कितना है, सरिया के उसके बाद में गिनती करेंगे। तो ये सब है, तो दोस्तों सारे को सरिया लिया दे सकते हैं, सारे को सरिया लिया, आप सबको गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। तो चलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 45 ए है, और इधर है 4,500, 70, 80 है दोस्तों, जिसमें मैं 1,270 रुपया लेकर गया हुआ था, तो इसको माइनस करेंगे 4,500 में से, तो हो जाएगा 3,310 का सेलिंग है। चलिए सेलिंग ठीक है, हमको लगा था कि 3,300 ज़्यादा होगा, लेकिन पूरा 3,300 का सेल है, 3,310 रुपये का। तो चलिए सेल अच्छा हुआ है, और सेल अभी हो रहा है ठीक ठाक, और सही रेट में भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।
मामी फ्रंट पे खड़े बाहर।